लग गया। कंग्रेचुलेशन मनीष जी को, हमारे सिने प्राइम आपका जो ओटीटी चैनल है, थैंक यू सो मच कि आपने एक ओटीटी चैनल बनाया और जितने भी बॉलीवुड में कलाकार है उनको आप चांस दे रहे हो, वेब सीरीज बना रहे हो, इतने कुट कुट के कलाकार भरे हुए, इतने सारे आर्टिस्टों को काम देना वेब सीरीज में, मैं बहुत बहुत शुक्रिया था और धन्यवाद कहती हूँ कि ऐसे ही ढेर सारी ऐसी वेब सीरीज आती रहे, ओटीटी प्लेटफॉर्म और खुलते रहे, सारे बॉलीवुड कलाकार जो कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं सबको काम मिले और हर कोई अपनी किस्मत आजमाए, हर कोई शाहरुख सलमान आमिर जितने भी बड़े स्टार है वो अक्षय सब बने। और डेफिनेटली मैं साहिल को बहुत ही नम्रान, आप लोगों को पूरी टीम को एल लग गए जो है लॉकडाउन में, एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गए, लॉकडाउन में तो सभी के लग ही गए थे, सबके लग गए थे कि नहीं, एब्सोल्युटली तो मुबारक हो एंड आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। ऑडिटी नाम सुनते ही ऐसा लगता है अरे भाई क्या होगा, बट आई मस्ट टेल यू दैट कि ये एल लगे आप लोग फैमिली के साथ बैठ कर ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं, बहुत जोरदार। मैं भी इतनी सारी वेब सीरीज कर रही हूँ, अभी मैं भी आ गई, पहले बहुत सिलेक्टेड हूँ कि करना कि नहीं करना, बिकॉज सिलेक्टेड ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन अभी आजकल बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज बन रही है थैंक्स के, अभी बहुत सारे जो गाली गलौज और बहुत सारे सीन्स है वो भी अभी स्टॉप कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो अभी जैसे जिनको जैसे मैं बड़ी स्क्रीन में टेलीविजन पे ओटीटी में हर जगह में काम कर रही हूँ, और कलाकारों के लिए कितने प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, पहले इतना स्ट्रगल करते थे हमारे कलाकार बड़ी फिल्मों के लिए, टेलीविजन के लिए, रियलिटी शो के लिए, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू जनता, थैंक्स टू मनीष जी जैसे हजारों प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म खोला है, सारे कलाकारों को काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश की जनता जो है घर में बैठ के अच्छे अच्छे वेब सीरीज देख रही है, फोन पे हर जगह, जब टेलीविजन, पहले तो टेलीविजन पे ही बैठे रहते थे, लेकिन अभी मतलब ऐसा हो गया है कि फोन पे ही आप ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब हर वेब सीरीज हर चीज देख सकते हैं, मतलब इस टाइम इस बार काम बहुत आसान हो गया है, तो थैंक्स टू गॉड सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी और जनता को कहना चाहूंगी कि प्लीज सभी जनता आप सब लोग जो है सिने प्राइम को डाउनलोड करें और इस वेब सीरीज को देखें, इट्स अ फिल्म और वेब सीरीज, वेब सीरीज इट्स अ वेब सीरीज अ फिल्म, इस वेब सीरीज को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है, हम सबको मिलके सिने प्राइम को आगे बढ़ाना है। सो आप लोग अपनी बीवी की गर्लफ्रेंड की कसम खा के मुझसे वादा कीजिए अभी कि आप सब लोग डाउनलोड करेंगे, करेंगे कि नहीं, आप से देखी। अच्छा पड़ोसी की बीवी की कसम खा लो भैया, थैंक यू सो मच, देखो हाथ कितने ऊपर हो गए, थैंक यू सो मच राखी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, जितने भी ग्रुप डायरेक्टर साहब कांग्रेचुलेशन, राजू जी थैंक यू, जितने भी आर्टिस्ट है जिसका भी नाम नहीं लिया, आई एम सो सॉरी, प्रोड्यूसर सब लोग, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच राखी जी। इससे देखिए खुशी के मौके पे ऐसे क्या बात कर रहे हो, मनुष्यों का नाम मत लिया करो, खुशी के मौके पे क्या है ये, ना ना इनको मुबारकबाद दो कि इनकी वेब सीरीज चले, आप समझ रहे हो, लेकिन लेकिन बेचारे ने बहुत पपड़ ले ले हैं लॉकडाउन में शादी के चक्कर में, लेकिन इमरान ने बहुत मजे किए हैं, इमरान इतना मजे ले रहे हैं लॉकडाउन को लेके, वो चाहते हैं कि लॉकडाउन रहे एक दो साल और दो साल। देखिए हम किसी के बारे में अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, सारे कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन में काम चल रहा है, नो कमेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे, उसके भी जल्दी एल लग जाएंगे, वेट कीजिए, कौन मुझे अपने एल नहीं लगवाने, तुम्हारा टाइटल हिट कर दिया भाई, अभी किनसे पूछेंगे जी, हाँ वो तो है वो तो है सर, बिग बॉस बहुत अच्छा जा रहा है, बिग बॉस की मैं कंटेस्टेंट हमेशा, हमने ओपनिंग ही की है डे वन से, बिग बॉस वन से लेके 16 तक, यू नो, एंड गॉड ने चाहा
तो आपकी राखी जरूर दिखेगी अगर गॉड ने चाहा तो। और बिग बॉस और मेरे लेजेंड भाई सलमान भाई, हाँ सरप्राइज मत बोलो। एल लग गए भाई, एल लग गए बापरे। देखिए मैं बॉलीवुड से हूँ, मेरी कर्म भूमि है, मेरी मेरा बॉलीवुड है। और जो भी बॉलीवुड में लोग उनको कमज़ोर समझते हैं या उनके पर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे मैं उन्हें जानती ही नहीं हूँ, कोई भी हो, अगर मुझे लगता है कि वो बेकसूर है तो उनके लिए मैं बाहर आके लड़ती ही हूँ। लोग कहते हैं हाई सोसाइटी करके खामोश बैठते हैं, उनको लगता है यार हमारा केस थोड़ी है, हमें क्या लेना देना, कोई मरे जिए। मैं उनमें से नहीं हूँ, तभी पूरा बॉलीवुड मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उनके लिए लड़ती हूँ। यार सारे सवाल मुझे पूछोगे क्या? मेरी एल लग जाते हैं? अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं किसी के, देखिए मुझे बहुत गर्व होता है कि कोई बेकसूर है, उनका उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है, या मैं बॉलीवुड की एडवोकेट हूँ ये मान लीजिए, और मैं उनका केस लड़ती हूँ और मुझे इसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है, जहाँ तक कि मैं गलत नहीं हूँ। कुछ देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को उनको ऐसा लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, हम क्यों किसी के लिए लड़े, हमें क्या ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन मेरा जो ज़मीर है ना, वो मुझे ऐसा कहता है अगर किसी का कसूर नहीं है, अगर आप उसके लिए बोलते हैं तो इसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू। आदिल, आदिल को पकड़ो। हाँ अबाउट फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अंदर जाके पता चला एल का मीन लॉकडाउन है, मुझे नहीं पता था, बट इट्स वेरी वेरी नाइस। आई कंग्रेचुलेट टू मनीष जी। आप क्या समझे थे एल का मतलब? एल का मतलब कुछ और समझ गया था, मुझे मालूम नहीं था जो तुम मुझे बोलती हो। ये मैं भी पहले वही समझी थी, बाद में पता चला लॉकडाउन, उसमें क्या डबल मीनिंग तो चलता ही है। मैं चाहता हूँ जनता से प्लीज ये सीरीज को सपोर्ट करे, बहुत मेहनत लगती है एक सीरीज बनाने में, बहुत महीने लगते हैं, बहुत बहुत काम, बहुत मेहनत का काम है, प्लीज उनको सपोर्ट करो और प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जनता जनता ही माय बाप है, जनता ही सब कुछ है, जनता एक छोटी सी वेब सीरीज और फिल्म को करोड़ों कमवा के देती है, और मतलब अच्छा इसको सुपरहिट कर देती है। जनता को सिर्फ कॉन्सेप्ट पसंद आना चाहिए, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी फिल्में, बड़ी बड़ी वेब सीरीज भी कभी कभी नहीं चलती है, बट दिस इज अमेजिंग। एल लग गए, थैंक यू। वो उनसे पूछना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। फंसा दिए, अरे मुझे मत फंसाओ। किसको हुआ? छह महीने में हो, नौ महीने में हो, सात महीने में हो, मौसी तो बन गई ना मैं, उतना काफी है। और इतना किसी के जिंदगी शादीशुदा जिंदगी में क्यों घुसने का? मत घुसो, आपको बड़ा घुसने का शौक है। उनकी सबकी मर्जी अपनी होती है, शादी हो गई ना बस, और क्या, बच्चा हो गया ना, मौसी बन गई बस, खत्म, और क्या। वाओ, मतलब मैं रियली सबको कहना चाहूंगी कि एल लग गए जो मैंने अभी प्रोमो देखे, गाने देखे, मतलब आप सोच सकते इतने हॉट, मतलब पसीने छूट रहे, और बहुत अच्छा प्रोमो लगा। और साहिल, इमरान, मनीष जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और एक फैमिली यंगस्टर्स अभी की जनरेशन के लिए और एक फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एल लग गए। जब लॉकडाउन हुआ था तो सबके कैसे तोते उड़े थे, तो वैसे एक शादी होती है और शादी में सडनली लॉकडाउन लग जाता है तो कैसे बारातियों का, दूल्हा का, दुल्हन का, उनकी फैमिलीज के तोते उड़ जाते हैं और एक कैसे फंस के एक हाउस में रह जाते हैं, तो उसकी ये स्टोरी है। बहुत अच्छा आपने डायरेक्शन किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
लोग इसको एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके भी तोते उड़ जाएंगे। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन में ऐसा भी हो सकता है। वैसे सबके साथ तो लॉकडाउन में क्या क्या हुआ है, लॉकडाउन पे जितनी वेब सीरीज फिल्में बने उतनी कम है, बट ये एल लग गए मतलब उसको आप लॉकडाउन में एल लग गए, तो दोनों ही मीनिंग्स है, यू नो। बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छा काम किया। देखिए सिने प्राइम जो OTT प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेब सीरीज एल लग गए बनाई है पूरी। जैसे एक राइस प्लेट होता है, उसमें आपके पास चिकन भी रहता है, मसालेदार सब्जी रहती है, दाल थोड़ी फिक्की रहती है, चावल रहता है, रोटी रहती है, तो तभी एक अच्छा राइस प्लेट बनता है। तो इसीलिए फिल्म तब बनती है जब एक दूल्हा और दुल्हन की लव स्टोरी के साथ एक यू नो एक कैरेक्टर ऐसे आते हैं, तो उसमें थोड़ा रोमांस नहीं हुआ तो पब्लिक फिर बोले अरे यार इसमें तो कोई रोमांस ही नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है। तो देखिए एक पूरी फिल्म बनाने के लिए आपको सब कुछ होना चाहिए। किसिंग विसिंग क्या है, अभी से थोड़ी शुरू हुआ है, जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से किसिंग शुरू हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान हाशमी जी, और इसमें इन्होंने भी उनका नाम भी इमरान ही है जो इन्होंने इनका तो लग रहा है इमरान जी का तो अभी तक लॉकडाउन खुला ही नहीं है, लॉक लगा के आए। बहुत अच्छा लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, साहिल ने, सबने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है, डायरेक्टर साहब ने। मैं तो कहती हूँ कि मैंने तो डाउनलोड कर लिया है सिने प्राइम, आप लोग कब कर रहे हैं? मैं 9th of December को मैं तो देखने वाली हूँ। तो देश की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सिने प्राइम को आप लोग डाउनलोड करें और मेरे साथ बैठ कर एल लग गए जो लॉकडाउन में फिल्म बनी है। तो लॉकडाउन में एक फैमिली के साथ क्या होता है, क्या ट्रेजेडी होती है, क्या लव रोमांस होता है, उस पर ये फिल्म बनी है। मैं तो देखने वाली हूँ। अगर आपको रियली मज़े लेने हैं जिंदगी के और अच्छी एक साफ सुथरी फिल्म रोमांटिक देखनी है तो आप मेरे साथ ये सिने प्राइम पर ज़रूर देखेंगे। थैंक यू। मैं काश मैं आपको दिखा सकती मेरी एक टांग, ये देखिए मैं तो एक टांग पे खड़ी हूँ आदिल जी के साथ रोमांस करने के लिए ऑन स्क्रीन। गाने डायलॉग्स बोलने के लिए आई एम सो हैप्पी के थैंक्स टू मनीष जी एंड सिने प्राइम के मैं और आदिल एक साथ में अच्छी वेब सीरीज के साथ आ रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम आपको नहीं ज़्यादा बता सकते उस पर भी स्टोरी एंड डायरेक्शन एंड हर टाइटल पर वर्क हो रहा है। बहुत ही अच्छा हम काम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सर। यहाँ पे और सबसे पूछो जो मजे आए हैं वो हमारे आए हैं, एक छोटा भाई था मेरा वो आया नहीं है। सबसे ज्यादा अगर इस स्टोरी में मजे लिए हैं तो हमने लिए हैं, और थैंक कहना चाहूंगा मैं मनीष सर को जिन्होंने मुझे मौका दिया। एंड थैंक यू टीम, बहुत मजा आया। थैंक यू। ओके सर, हो गया। सो गाइस, मैंने इसमें चाची का रोल प्ले किया है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। तो लोग सब सब्जी बनाते हो घर पे, ठीक है, लेकिन उसमें तड़का नहीं लगाते तो मज़ा नहीं आता ना। तो इस सीरीज में मैं तड़का हूँ, तो प्लीज़ ये सीरीज हमारी देखिएगा। सर के साथ काम करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ने तो सब कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा वेब सीरीज़ है और बहुत ही साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि जो सीन्स देख के डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये कर लें कि पता नहीं क्या इसमें आगे होगा, लेकिन जो भी आप देखेंगे बाद में खुद ही डिसाइड करेंगे कि बहुत अच्छा और फैमिली के साथ देखने वाला ये। और ये हमारे राजेंद्र राठौड़ सर बहुत कम्फर्ट करा के, मैंने मतलब सभी एक्टर को कम्फर्ट करा के इन्होंने काम दिया है। चाहे लेट नाइट हो जाए लेकिन किसी एक्टर को क्यों नहीं निकलना है, क्योंकि हमारे राजेंद्र सर साथ में थे। सो बहुत अच्छा लगा सर हम लोगों को साथ में काम करके, स्पेशली मनीष जी, बहुत शुक्रिया। आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी। फिल्म के बारे में ये कहूंगी कि मैं वेदिका की माँ का रोल कर रही हूँ,
नॉर्मल शादी में ही माँ के ऊपर इतना प्रेशर होता है, तो लॉकडाउन में बारात रुक गई है घर पे, कब जाएगी पता नहीं है, तब सोच सकते माँ की क्या हालत हुई होगी। तो फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा देख के, सब देखें। ये हीरो की मदर निशान सन जी, बहुत मज़ेदार लग रहा है। मैंने भी आज ट्रेलर पहली बार देखा, गाने पहली बार देखे, तो आई एम एक्साइटेड। बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम लोग सेट पे भी काफ़ी मस्ती करते थे, हम रील्स बनाते थे, इमरान हमें सिखाता था, तो मज़े भी किए हमने, सिखाया हर शॉट कैसे लेना है। थैंक यू, वो इसका एक्सपर्टीज है। हाँ, और मेरा डेली का काम है। किस किस के लगे? सिर्फ उत्कर्ष के लगे, हमारे नहीं लगे। उत्कर्ष ही नुकसान में, बाकी सब फायदे में। हम फायदे में। अच्छा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं करने में? और एक बहुत प्यारी चीज हमने बनाई है और हमें बहुत पसंद आई, और हमें आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस, पूरे भारत की ऑडियंस और पूरी दुनिया में बसे हुए जो इंडियंस हैं, अदर लैंग्वेज वाले हैं, सबको पसंद आएगी ये मूवी, ये वेब सीरीज। नाम को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसका पूरा नाम है लॉकडाउन लग गए, इन शॉर्ट हम लोग इसको एल लग गए बोलते हैं, आप इसको अन्यथा ना ले। और दूसरी चीज, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? कि वो कह रहे हैं कि आपने इरोटिक वगैरह थोड़ा इसमें डाला है। जी जी जी, जी, बहुत ही सिंपल लड़का है जो अपनी किसी से प्यार करता है, उसके साथ शादी करना चाहता है, शादी के लिए भी फैमिलीज मान जाती हैं, और कैसे क्या सिचुएशन होती है कि जब वो बारात लेकर जाता है तो क्या होता है उनकी फैमिलीज के बीच में, आप एक जगह में दोनों फैमिलीज बंद जाती हैं लॉकडाउन की वजह से, तो ऐसा है। बाकी मेरे कैरेक्टर बहुत ही स्वीट सिंपल है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम नॉर्मल सब हम होते हैं, एक छोटे शहर का लड़का है और छोटे शहर की फैमिली है और उनके बीच में कैमराडरी है। हाँ जी, सर वैसे ही अनुभव रहा जैसे सबका था, बहुत ही मुश्किल हुई, दिक्कत बड़ी सारी, बट हाँ पहले लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन में सब पता चल गया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हाँ दिक्कतें आई, बट देन बहुत सी सुविधाएं थी जो गवर्नमेंट ने दी हमें, उसकी वजह से सब ठीक भी था, ठीक चल पड़ा। सर मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। इससे पूछिए सर, क्या प्रोड्यूसर? इस नाम को थोड़ा कैची बनाने के लिए, और पहले ही हम बता चुके आप अन्यथा ना ले, इसका नाम लॉकडाउन लग गया ही है। जी देखिए, ये द्विअर्थी जरूर है लेकिन इसमें ऐसा कुछ वल्गर नहीं है, और आप देखेंगे फिल्म में तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग क्लियर लॉकडाउन ताला लगा दिया था, समझ रहे लॉकडाउन का मतलब क्या है, सिम्बॉलिक है पूरा। वो सर स्टोरी, एक लड़का है जिसको शादी करना है, उस परिवार को बड़ी उम्मीदें हैं कि उसकी शादी होगी तो उनके वंश का, परिवार का नाम आगे बढ़ेगा, और बड़ी उम्मीदों से बारात जाती है, शादी की तैयारियां होती है, और जैसे ही ये लोग फेरे पड़ने वाले होते हैं और मालूम पड़ता है कि मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया है, उस डर से पंडित जी भाग जाते हैं। तो पूरी कहानी उसी के आधारित है, और कैसे परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सारी चीज़ें हमने बताई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत से डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा है, बट सर सर की स्पेशलिटी बोलूँगा कि बहुत फास्ट काम करते हैं, जो जितने सीन्स दिन के लगाए जाते हैं वो पूरे ख़त्म होते हैं, मेरे को लगता है और भी ज़्यादा लगाए थे, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट शॉटिंग, मतलब जिन्होंने शूट करा है डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ द विच आई वर्क विद, और बहुत अच्छा शूट करा है, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में कुछ इधर उधर हो गया, बहुत अच्छा शूट करा है जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपने देखा है अभी ट्रेलर में, सो या बहुत मज़ा आया। मेरा किरदार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे दोस्त की शादी हो रही होती है और मैं अपनी जगह पे मगन रहता हूँ। बाकी आपने देखा होगा किस सीन में आप किस सीन के बाद क्या सीन है, वो अगर आप देखेंगे तो आप
आपको ये नहीं लगा कि ये वल्गर है, इसमें किस की गई है या ऐसा कुछ है? आप लाइक जरूर देखिएगा एक बार, वो सस्पेंस वो बता नहीं सकते, अगर वो बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, एल लग जाएंगे। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं एज एन कैरेक्टर, और कुछ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं मुझे मुंबई में। मेरी आयशा कपूर, वेदिका भंडारी, साहिल आनंद, उम्मीदें तो बहुत हैं, एक मौका मिला है मुझे परफॉर्म करने का, तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। यस, लॉकडाउन के समय में दिमाग फ्री था, ज़्यादा अच्छे से सोच पा रहे थे और एक अच्छा आइडिया आया जिसको हमने वेब सीरीज़ के रूप में आपके सामने ले। अभी हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि एक सरप्राइज हमने दिया है, राखी जी के साथ आ रहे हैं, राखी जी और आदिल जी के साथ में आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट।